प्रकाश करने इच्छुक भक्त मैंने आज उपस्थित अच्छा सिंहद्वार सम्मुखें आपण मानी आरंभ करवा कार्यक्रम को प्रथम भक्त को स्वागत करी ए परिवेश को जे प्रभु को दर्शन अभिलाष रखी क्षेत्र को आसी था सेने अनुभव कथा कही था। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण ना टी सुधांशु शेखर नायक भुवनेश्वर रोच प्रफेसन मु आईनजीवी ओडिशा हाइकोर्ट एवं प्रेस मीडिया काम कर पार्ट टाइम आज जगन्नाथ भक्त एवं आज अशेष धन्यवाद देवी जगन्नाथ टीवी की जे से आमको जगन्नाथ संस्कृति विषय जगन्नाथ ये विषय कहवाई सुजोग भी देती आ जगन्नाथ टीवी उत्तरोत्तर उन्नति हो अधिक मात्रा संख्या ग्राहक दर्शक संख्या बढ़तु एति भगवान जगन्नाथ मंदिर प्रार्थना करुच्छी। निश्चित भाव जगन्नाथ टीवी को चैनल को भल पाता मनुष्य आज आम पाई अति अंतर सहित भल पाइबा देते आम कृतज्ञता सहित ज्ञापन करुचे आपन को धन्यवाद ज्ञापन करुचे। जाहो आज केमती प्रभुंकर दर्शन करने आपण हृदय भितर प्रभुंकर भाव जाग्रत आज नवरात्र आरंभ हो नवरात्र विभिन्न प्रकार कार्यक्रम विभिन्न जगन्नाथ नीतिनीति अच्छी आज प्रकृत दिन आम समस्त परिवार सह आसिया मनस्त कर दीर्घ दिन है आज भगवान कृपारु आम आसी बड़दाण में पहुँची और मंदिर आगे ढड़ाई एवं भगवान को दर्शन पाइले आम कृतकृत्य हबु। अनेक दिन है क्षेत्र को आसवापी प्रभु को दर्शन करने चिंता करते आज महाप्रभु से सुजोग दे बड़ सौभाग्य आपणकर पर सहित आसी पहुँची प्रथम तो क्षेत्र में आसी पहुँची जा द्वार मुँह में पहुँची जी प्रभु को दर्शन करने को कि गोटे कथा मुझे भी चाहूँगी गत पहर दिन बा शुक्रवार आमर मंदिर प्रशासन जेहेतु शनिवार दिन बंद मंदिर प्रशासन में आम माँ सुभद्रा रथचक प्राप्ति कलु एवं रथचक को आम नहीं घटगाँ पाख एक धहकटा बोली एक ग्राम से महावीर मंदिर अनुष्ठित होगा शोभा रेकर्डिंग भी मो पाखे अच्छी आम देखे पार्बूँ जगन्नाथ टीवी भी अनुरोध करी से रेकर्डिंग जदि से आउ थ प्रसारण करें पहर दिन यू संकीर्तन सह गाड़ी करी आम प्रशासन में डिपोजिट कर डिपोजिट स्लिप भी मो पाखे अच्छी आम माँ सुभद्रा रथचक्र प्राप्ति होता और शोभा नहीं विधिवध विधि अनुसार आम पूजा अर्चना भी कलु और स्थापना भी कलु महावीर मंदिर धहकठारे हाउ गोटे भगवत गोटे भल कार्य कर भगवान चक रथ चक को नहीं जो रखी स्थापना करश्चित भाव में भक्तिर भाव प्रत्येक मन भितर सृष्टि हम अधिकतु ये भावना रही जगन्नाथ दर्शन भाव जिते बड़े दर्शन करती आप प्रभु कौन अनुभव करते भगवान आम जो जगन्नाथ टीवी आगे जी भी कही पार पद से ही भगवान जगन्नाथ कृपार कौच से बाग शक्ति से मानने ये शक्ति भगवान दे थ आज आम आपण आगे ढड़ाई पार्छू आप टीवी चैनल कथाई पार्छे और सब कृपा तांकरी कृपा निश्चित प्रत्येक कृपा तांकरी रही था कहार शक्ति चलार शक्ति शोबार शक्ति जहाँ कार्य करवा सबू शक्ति भगवान हाथ में जी जीवन आपड़ जी प्रभु पाखे आसी भक्तिर भाव संपर्क रखी सारे जीवन रोटे घटना आपड़ कहे अनुभव करेंगे महाप्रभु आपन को उद्धार करेंगे महाप्रभु आपन को कृपा करमती गोटे बड़ समस्या आई थ जेहेतु जगन्नाथ को आप विश्वास करा क्या विश्वास करते ना से विश्वास कथा गोटे अनुभव कथा कह से अनुभव कथा मुझे मुपर्यंत वैक्सीन नहीं ना कोरोना वैक्सीन नहीं केवल तार कारण है मुझे छुंची डरे और मोर सेन्स चली जाए ये बर्षे तेज आम आसीु दुई वर्ष ते आम आसीु ये मना कर जो मैंने वैक्सीन ने मंदिर को प्रवेश करें ना से दिन लक्षाधिक लोक भक्त भिड़ हो मंदिर प्रशासन किसी कर्तृत्व रहा ना एवं जो मैंने वैक्सीन नहीं मोर पर पाखर अच्छा से मैंने दर्शन भितर प्रवेश करते भी दर्शन प्राप्ति करें मुझ वैक्सीन न नहीं भी मुझ दर्शन करीदा भगवान कृपा से पारा वैक्सीन न नहीं भी भगवान दर्शन भल भाव करी कोरोना आम वैक्सीन न नहीं प्रवेश नाला कहला से लोक भक्त होते प्रशासन मान कौन दर्शन दर्शन मन भितर जिते बड़े भावना थाए प्रभुंर बराद थाए प्रभुंर इच्छा थाए प्रभुंर डकरा थाए कौन सी शक्ति रोक पार नए आप कहवा कथा धन्यवाद देवी आपंकर अनुभूति गोटे जय जगन्नाथ टीवी पक्ष गोटे पुस्तक प्रदान करी जय जगन्नाथ भक्त बंधु दर्शन
ভাব মন ভিতরে কিভাবে ভাবে দর্শন মু মহাপ্রভু করিবি এ যে ব্যাকুলতা থাকে কোণী বাধক সাজি নথায় বা কোণী বাধক হয়ে নথায় দর্শন বঞ্চিত করা ভক্ত মানে দর্শন করে থাকে আসন্ত আহরি ভক্ত অনেক নিশ্চিত ভাবে প্রভুঙ্কর ভক্তির কথা প্রকাশ করবে। জয় জগন্নাথ। আপনার নাঁটি কোন? মো নাঁটা হচ্ছে শিবানী পণ্ডা। মু হচ্ছে ব্রহ্মপুর ইউনিভার্সিটি আসিছি। সর্বপ্রথমে এই থেকে সমস্ত ভাই ভৌণী মো টিভিরে মো বাপা মা ভাই দেখুছেন, প্রথমে সমস্ত মোর জয় জগন্নাথ। নিশ্চিত ভাবে পরিবারকু আপন শ্রীক্ষেত্রর থাই জয় জগন্নাথ কহিলে, তুণ্ডরে জগন্নাথক নাম ক্ষেত্রে নেলে অশেষ পুণ্যপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। যিনি জগন্নাথক নামক শুনে থাকে সি বি পুণ্যপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। জগন্নাথক দর্শন করে সারে? আজ্ঞা করলু। বর্তমান অনুভূতি আমি সবুলে জয় জগন্নাথ টিভিরে দেখুছু। আমার গোটে মন ভিতরে এমিতি গোটে উৎসাহ লাগে কেতবে আমি এটা স্টার্ট হব, আমি টিকি কহবু, আমার ঘরে টিকি সমস্তে শুনবে। আগন্নাথঙ্কর এই ধামরে আমি জগন্নাথ কিছু অনুভূতি কয়াপে মু এটিকি ভাবুছি কহবি। নিশ্চিত ভাবে আপনার ভাবুছেন যেটা আমি সে কার্যক্রম জয় জগন্নাথ টিভি রাখিছি ভক্ত মানুষ নেই অনুভবর কার্যক্রম অনুভূতির কার্যক্রম, আপনার অনুভূতি কম টিকি কহিলে। আজ্ঞা দেখুন, মোর একচুয়ালি গোটে পুয়া গোটে ঝিও, পুয়াটা না 2 বর্ষ হয়েছি, সে থরে খেলুলা জগন্নাথ চাইলে সবু কিছু সম্ভব। সে খেলুলা দিনে এমিতি পড়িগলা তলে যে জন ঠেলিদেলা পছপটু পড়িগলা যে সে বিলকুল কথা কইপারলানি, পাটি খোলি পারলানি, কিছু বি কইপারলানি। হে জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ডাকি দেবা সাঙ্গে সাঙ্গে ক্ষণিক ভিতরে তার পুরাপুরি পাটি খোলা, কোণী মেডিসিন দরকার পড়লানি কি কোণী ডক্টর দরকার পড়লানি। তথাপি মু এই ডক্টরকু চেকআপ করাইলি, ডক্টর কলে কিছু অসুবিধা হয়নি, তোমার ভগবানক দয়ার পিলা ঠিক আছে। এত জোর সে পড়িলা আপনার সে ভাবি পারুনি, সেতবে তাকে বর্ষে 2 বর্ষ হয়েছিল, বর্ষে 1.5 বর্ষ খন্ডে হয়েছিল, এবার তাকে 2 বর্ষ চালুছি। তো মু কইলি তাকে নিয়ে আসিছি আজি 22/5 দর্শন করাইবি গড়াইবি, আও মু জগন্নাথ লোক মানুষ ভক্ত মানুষ এমিতি জগন্নাথঙ্কর মহিমার তো গুড়াই জিনিস আছে, কিছুটা পদে মতো কিন্তু সুযোগ মিলব মু কিন্তু কহিবি বলে মু ভাবুলি। নিশ্চিত আপনার জন মা হিসাবে পিলার যেতবে দুর্ঘটনা ঘটিলা, মা কোলুর পিলা যাব মা সহি পারিবনি, মা কোলুর পিলা নবা প্রভু কেবে চাইবেনি, তেণু পিলাকু বচাইছেন জগন্নাথ। হ্যাঁ সেইপাই বা জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী বারম্বার খাইলে বসিলে শোলে মোর এই পদক সবুদিন চালি থাকে। সে জগন্নাথ স্বামী ন চাইলে কিছু বি সম্ভব না, চালবা না খাইবা না বইবা না শোবা। সেইপা সমস্ত মু কুচি এই জগন্নাথ টিভি চ্যানেল মাধ্যমে কি হে প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথ সমস্ত কিনি মঙ্গল করে থাকে, সমস্ত সুখে রাখি থাকে। আজির এই আসবার গোটে গোটে উদ্দেশ্য অছি কি আমার একচুয়ালি কালি রাতে 10টা পর্যন্ত আমার ঘরে কিছু কনফর্ম হয়ে নথিলা কি আসবু না আসবু না, আসবা কি আসবানি আসবানি আসছিল। তো মু ভাবলি কি যাবানি যাবানি, তো মো ভাই একচুয়ালি ভাই ফোর্স করে সে কলা মু গাড়ি দেবি মু ড্রাইভর দেবি, তুমি কাইকি যাওন এই সুযোগ দিয়ে তুমি ছাড়ি দেব, তুমি আর মাসে যাবি বলে কহিলে এই কার্তিক মাসে দর্শন করিপারে ছুঁ মানুষ ধরি বহু ভিড় হব। তো সেইপাই তা লাগি আমি আজ এটি আসিপারু ভগবানক দয়ারু তাকে কিন্তু সুস্থ রাখি থাকে, তাকে তার কিন্তু আরোগ্য হো মোর গোটে বলে ভাই বলে। হো ভাইর সুস্থতা কামনা করছেন, প্রভুঙ্কু প্রার্থনা করছেন, প্রথমে তো পিলাকু পাইপারিছেন জগন্নাথঙ্ক পাই। আজি যদি পিলা আপনক কোলেরে রহিছি সেই প্রভুঙ্কর কৃপা জগন্নাথঙ্ক কৃপা পাই, যেতবেলে আপন পুরী কথা মনে পড়ে পুরী কি কি ডাকে খুশি হন্তি? হ্যাঁ মু সবুবেলে ভাবে কি মোর যদি গোটে ঘর থাকে পুরীরে না মু বহুত খুশি হইতাম, ভগবানক দয়ারু চাইলে সে দিনটি আসবে নিশ্চয় কেবে বি মু গোটে পুরীরে কেবে বি গোটে ঘর কিনবি বিশ্বাস রহিছি। এ পুরীরে গোটিয়ে জায়গা মহাপ্রভু দেবে বলে? দেবে নিশ্চয় দেবে, কারণ জগবান তো মানে যাহা চাহি নথিবে আপন সেইয়াকু দেবে, আপন তাকে খালি বিশ্বাস আর ধৈর্যর সহিত তাকে অপেক্ষা করিয়ার অছি, আর ভগবানকু না না নেকি বাট চালুথিবার অছি। প্রভুঙ্কু বিশ্বাস কেবেটু আপন কলে? মু বুদ্ধি জানিলাঠু যেমন কি মু 10th পড়ুতিলি তো পরীক্ষা দেইথিবি, 7th পড়ুতিবি বোর্ড পরীক্ষা দেইথিবি, মানে বুদ্ধি জানিলাঠু মোর হি ভগবান ভগবান সাই বাবা জগন্নাথ মঙ্গল মহাপ্রভু সবু ঠাকুরঙ্কু মানে মু বায়া ঠাকুর মানে মতে সবু কিছু মোর টিকি কোন মাড় হইলে হে মা মঙ্গল মা মোর কিন ভালো করে দিও, হে প্রভু সাই বাবা মোর কিন ভালো করে দিও, হে প্রভু জগন্নাথ জয় জগন্নাথ পতিত পাবন মোর টিকি কিন ভালো হয়ে যাও বলে মোর তো সেটা সাংগে সাংগে ভালো হয়ে যাও। এইটা গোটে অনুভূতি মু সমস্ত কহিবাকু চাহুছি কি যেতে বড় বাধা বিঘ্ন আসু জয় জগন্নাথ থরে কইকি দেখন্তু তো সবু জিনিস আপনার সর্ট আউট গোটে মিনিট ভিতরে হয়ে যাব, কারণ এটা মোর এক্সপিরিয়েন্সটা মু সেইপাই কহুছি আপনার। দৃঢ়তার সহিত জড়ে ভক্তা প্রকাশ করছেন প্রভুঙ্কর দাণ্ডে, বড় দাণ্ডর সিংহদ্বার সম্মুখে ঠিয়া হয়ে যেত বড় সমস্যা যেত বড় বিপদ আসু
गोटे जगन्नाथ नाम तुंडे धरतु गोटे मिनिट्रे तार सर्ट आउट हम समाधान हम ये दृढ़ विश्वास भी रही आपण मैंने भी कर प्रभु को केते जितेबाला कोरोना थिला मो हस्बैंड हरिद्वार जाइए कुंभ मेला बुझे मो शाशु आ मो हस्बैंड से दिज जाइए से कोरोना अटैक होते तो ये जोर सीरीयस हो जाता मो शाशु आम घर समस्ते बाना देवु हे प्रभु कि भल कर दि बाना देवु कौटी हस्पिटाल एडमिट हो ना बहुत क्रिटिकल सिचुएसन कि जगन्नाथ स्वामी आज आमको बंचे थवरूँ देखिए आसी सी भी अच्छे भितर मुझे तुम टे बस तो खरा हो बाहर मुझे दर्शन करके आसबि से जगन्नाथ दया सी भी आज भल सुस्थ जीवन गोटे से भगवान को जम्मा भूली पारिबेनि जगन्नाथ कथा कहले मो देह लुम टांकुरी आसुचिबा धन्यवाद देवी आपनकु जगन्नाथ प्रति एत प्रगाढ़ भक्ति विश्वास रही गोटे पुस्तक जय जगन्नाथ टीवी पक्ष प्रदान करी धन्यवाद भक्त निश्चित भाव आसी था भक्त दृढ़तार सहित प्रकाश करती कौन ना मुझ जगन्नाथ क्षेत्र में रही जगन्नाथ को विश्वास करी कारण विश्वास ठाकुर होती जगन्नाथ आसतु आनेक भक्त से विश्वास ठाकुर पदार बिंद को धरी के छाड़े नहीं के दूरे देवे महाप्रभु आपण जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री प्रभु जगन्नाथ मो ना अमर खिलार मु मयूरभंज जिला बैसींगा थाना बालका ग्राम रु मयूरभंज एत दूर रू आप आसिक केवल प्रभु टे दर्शन करेंगे ए भावना प्रभु को दर्शन कर सारे आज्ञा आज दर्शन भल दर्शन कर सारी मुझे मुझे मो सहित मो पूरा परिवार पूरा भितर काठ पाखर महाप्रभु को दर्शन कर सारी आल भी दर्शन हो मोर बहुत गोटे धन्यवाद दबार था जय जगन्नाथ टीवी को जे एत भल गोटे प्रोग्राम कर पांच थर खंडे आसिक फेरी कहीपारी ना मोर अनुभूति आज मुझे गोटे बहुत बड़ सुजोग पाई जे मोर अनुभूति आज कैमेरा सामने कहूँ पांच थर दर्शन करने को आसई कि अनुभूति महाप्रभु कहवापी आज षष्ठ थर आपण को महाप्रभु सुजोग निश्चित भाव में जी अपेक्षा करी अनुभूति आपण मानक कह सुंदर अनुभूति अनुभव करेंगे से अनुभूति को कहत सी भी गोटे अनुभूति मुझे थर पूरी आसो सांगसाथी मान आसी नौटा रु दसटा देख ना गोटे रु दुटा देख ना सन्ध्या एतटा रुटा देख मुझे गर्वे कही आज जाऊँ मोर अनुभूति कह तुम्हें मैंने सब देखिकी जान से मुझार ना प्रभु कथा आज मुझे किसी कहनी एमती एक्टी आसी जे मो मिसेस का भी आब रही लज में लुचिक पलि आसी आज मुझे जगन्नाथ टीवी चैनल रे मो अनुभूति कह बहुत तो अनुभूति अच्छी तो तीन वर्ष गोटे अनुभूति कह एकुटिया आसता है भुवनेश्वर मु गाड़ी चलाए गाड़ी चालक से सब कम छाड़ी मत समय मिलला मु प्रभु दर्शन में पलि आसली तो मोर जो बड़ भाई गाँव रू फोन कले जे तू पुरी रे जदि अछु मो भाई भल गजा नहीं कि आसबू सी हाई स्कूल रे प्रधान शिक्षक अच्छा रंजन बारी मुझे कहली जब भल कौटी मिल नरसिंह स्वीट्स भल मिल तू नहीं आसबू मुझे पचारि भल खजा केत टा ना जिते टाँह भी हो बना ही ना आम सांगे सांगे बनइबू जहाँ बनइबू से आपड़ ने मुझे हाँ कहीदेली तो जी बनइले मो पाखे जी पैसा थी से पैसा ही सरीगला से खजा नवारे तो मुझे चिंता कली भुवनेश्वर फेरबी केमी एक कथा भाविकी प्रभु को डाक सीधा बस स्टाण मुखी चली केत बस स्टाण पहुँची आमती जी रास्त खाली अनुभव था एपट सेपट जो मोर किए चिन्हा लोक देखाई जे मत करेंगे भुवनेश्वर पहुँचेदेवे बस स्टाण पाखापाखी है बस स्टाण भी देखागला बस भी छिड़ा ही बस पाक को पहुँचापी अल्प बाट अच्छे जड़े लोक आसिक मो हाथ धरने कहला कौटे जीव मुझे कहली भुवनेश्वर ना सीधा मत टाणी नहीं गले गोटे कार पाखकु मोर चारज लोक हो जाए कार जड़े लोक बस ले सुरक्षित नहीं कि तुमको भुवनेश्वर में पहुँचेदेव मुझे पैसा पत्र कथा भूली जाइ बसिगली जाए कार्रे से भाई को पचारि भाई मो पाखे पैसा नहीं तुमको फोन पे हो कि गूगल पे हो कि कौन सी प्रकार पैसा देवी भुवनेश्वर पहुँचले कहे आपण भाया लोक को आम पाइचे पैसा नदेले भी हम आप आगे भुवनेश्वर पहुँचतु से मत सुरक्षित भुवनेश्वर पहुँचेले मोर पुत्र सुनील खिलार सी फोन पे पैसा पठेदेला से प्रभु को कहली जे मत बड़देवल बड़दाण्ड चल चल मौसम मंदिर बस स्टाण पहुँचेदल बस स्टाण पहुँचवा क्षण ही मत नहीं पुणी सुंदर कार्रे बसईदल पुणी आग सीट्रे पचर तीन जन बस सारे आग सीट्रे मुझ बसली सुरक्षित जाचिली भुवनेश्वर आ पुणी मोर मो गंतव्य स्थान में जा मोर मयूरभंज पहुँची मो घर पहुँची भाई को एक कहली बहुत सब खुशी है समस्त शुणिले से दिन मुझे जेबी आसी प्रभु मोर सब मनोकामना पूरण कर
आज भी मुझे हटात सोमवार मोर चाकरी अच्छी दसटा सुधा पहुँचवी शनिवार राति बाहर रविवार पहुँचली आज दर्शन करी पुणी राति दसटा ट्रेन में जी सका पहुँच मोर काम रही ए सुंदर अनुभव अनुभूति आपणकर प्रकाश करुँचे आज भावी पारे जे आम ओडार सुनामधन्य गायिका नमिता अग्रवाल मैम आम गोटे बढ़िया चैनल बाहर करी सबुदिन आमको से दर्शन करेंगे महाप्रभुर विश्वास भी करहबर गोटे गीत शुणी मुझ श्रीक्षेत्र बहु झरका खोली पतित पावन दिशी था तो प्रकृत में मुझे आज भी से लज्रे अच्छी पाठघर लज्रे झरका खोल मो स्त्री देखुं पूरा मत भी देखुं मंदिर भी देखुं मोर आज से सौभाग्य सारा देश विदेश मोर भी दुई तीन जन सांग अच्छा दुबई में अच्छा अलग अलग देश अच्छा से देखुं जगन्नाथ चैनल जगन्नाथ टीवी के बढ़िया हो पारे केते खुशी कथा विज्ञापन विरती ना कि ना आपण मैंने खरा तरह बर्षार ढड़ा ही एत कष्ट आम मन को सब से सुजोग दौरान आम बहुत उपकृत हो निश्चित भाव में धन्यवाद देवी आपन को अनुभूति पुस्तक खंडे प्रदान करी जय जगन्नाथ प्रभुंर जिते बड़े भक्त मैंने आसती क्षेत्र को निश्चित भाव में प्रभु को समर्पित जाती समर्पित भाव ए प्रभु को दर्शन करती क्षेत्र में आसतु आनेक भक्त अच्छा भक्तिर कथा को प्रकाश करने स्वागत करी जय जगन्नाथ माँ आप ना टे कह मो ना प्रतिमा जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट आसीचु भुवनेश्वर रहूँ बहुत बड़ अनुभूति अच्छी आपणकर अनुभूति अच्छी कौन अनुभूति बहुत कहले मुझे शशुर देह बहुत खराब होता मुझे जगन्नाथ को डाकिली प्रभु आम स्वामी जे मरीगला पर छ मास पर हठात शशुर देह खराब होगा मैंने प्रभु शशुर भी आसती तीस चालीस वर्ष आसी एठिक पूरी सब दर्शन करती शाशु शशुर बोल प्रभु पुओक तो नल नल आम बापा को भल कर दि से मुंडिया मैली घर पड़ी से बापा देह पूरा असुस्थ हो सब मेडिकल फेरेदे कैंसर पूरा हो गला चुट्टी पुटी उपड़ीगला किसी खा पिओ कले खाली पा पीले पुओ मोर घर हताश होमस मेडिकल नहीं आडमिट कलापर से दिने छाड़ी दिने लाइट पड़े तेतीसटा लाइट पड़ी तापर बापा आस्ते आस्ते आरोग्य हो गले बर्तमान पांच वर्ष है बापा पूरा सुस्थ अच्छा बहुत से धन्यवाद देवी बापा मैंने शशुर कथा हाँ शशुर को कैंसर होता कि प्रभु कृपा प्रभु दयारू से आरोग्य लाभ कर हाँ पांच वर्ष है बापा पूरा भल अच्छा बापा बो दुईज मत बहुत भल पाती मुझे पूरा झील भाया चले कि मत ये दुख लगुच पुओटे जन्म करते पुओ चलीगले कि किसी करवा शुश्रूषा कर भल रखी जो कहले आपणकर स्वामी कथा कहते निश्चित भाव स्वामी कौन होता कि भाव देहांत है से सीआरपी चाकरी कर बाहर थे हठात डेथ हो गला हार्ट स्ट्रोक हो गला तापर छ मास पर शशुर देह खराब हो गला से जगन्नाथ को कहली प्रभु मु तो सदा सर्वदा तुमको डाके निश्चित भाव दुख पर दुख स्वामी देहांत पर पुणी शशुर कैंसर आक्रांत सब सेवा आपन को करबा को पड़ला गोटे पुओ आप नहीं दुई पुओ पिला दुज ठाकुर दया भल अच्छा बाप माँ का आशीर्वाद समस्त आशीर्वाद पिला मान देह सब भल अच्छे कि बाप माँ को जो दुख से मुझे पूरण करे पूरण कर था कि मत से दुख लगुच देह सदा सर्वदा एम भल था प्रभु भले निश्चित भाव में प्रभु को कही मैंने समर्पित दे मैंने प्रभु तो भल कर सारे कहते शशुर देह सुस्थ रही ये तो गोटे घटना अनुभूति कहले सुंदर अनुभव स्वामी गोटे अनुभूति कहले स्वामी देहांत पर जिते बड़े संसार दी पीओ को नहीं आप चलुं शशुर शाशु को नहीं चलुं आगे अनुभूति सम्मुखीन होती गोटे कहले अच्छी गोटे जगह किनबार पैसा पत्र पाखे नाला मुझे पुओ कहला बो जगह किनीद बोले बापा पैसा तो पाखे ना केमी कौन किणवा ना तू व्यस्त होना बो जगन्नाथ अच्छा सब आम कथा शुणवे कि प्रभु दया से कमटा भी पूरण हो गला मुझे धन्यवाद देवी जो मोर बहुत कम पड़ज एत प्रभु बहुत ऋणी केबे आसंत पुरी की एई भक्ति भाव नहीं कि प्रभु सब समय रे सब विपद रे रही आसे मुझ सब आसे वर्ष को प्राय थरे दि थर आसे फास्ट टिक्रे नमिता मैम और सीताकांत सार मु देखला परे टीवी रे बहुत एत खुशी लगुच रात चार उठिले फास्ट टैग टीटा लगे दिए सदा सर्वदा देखे मो पुओ झी कहती बहुत घर टाक पूरा मंदिर करदे
मठ कर मुझे बापा देख मु तो मंदिर सबुदिन जापरि ये रही प्रभु को दर्शन करदे मो मन आत्मा शांति आहा सुंदर कथा टे कहले ए कथा पाहि भी आमे अपेक्षा करि थाउ जय जगन्नाथ टीवी घरे लगौछि सब बेले पुओ झियो माने कहउछन्ति घर को कोन मंदिर करि दबु माटी हे कि कहउछन्ति मु त मंदिर सब बेले जाइ परिबिनी घर को मंदिर करबा पई ए भावना रहिछि आ से भावना को पूर्ण करूछि जय जगन्नाथ टीवी मु सदा सर्वदा राति 4टा उठि देखे ठाकुरंगर महामंत्र सहस्र नाम भागवत हरिवंश सर्वदा सबुबले देखे किंतु मते आउ रात्रि जमा निद हुए नी कि 5टा बाजिले पतक लगे लगे देवी से भागवत सरवा जाके सदा सर्वदा से देखु देवी हाउ पतक लगी दर्शन करुछंती परम शास्त्र भागवत को मध्य श्रवण करुछंती ए पुराण शास्त्र ग्रंथ प्रभु पाखे ही मन सबुबले रखि सदा सर्वदा मुझे रखे शोले डाके उठिले भी डाके जिते बड़े मुझे खाली प्रभु को मोर सब मन भितर मुझे रखीदे फास्ट कर धन्यवाद बहुत देवी ये जो अनुभूति आप कहते मुझे सबुद बस देखे निश्चित भाव अनुभूति हिं आम किसी शिखि था आपण मैंने जमी शिखी था भक्त कथार भक्तिर कथार एत शिक्षार शब्द आसी थाए आम भी ये पाखे ठिया शिखि था प्रभुं बरादी ए प्रभु निर्देश में आपण मैंने भक्त मैंने सब प्रकाश करते जहाँ गोटे कथा स्वामी को हरवापर जिते बड़े महाप्रभु को धरी जीवन आउ दुख कौन विपद कौन देखी ना ना मुझे बहुत सुख महाप्रभु दे बहुत सुख मानने जन्म हेला जहाँ टी दुख था कि स्वामी हाथ देलापुर बहुत सुख पाई एवं भी दुख ना जहाँ भगवान इच्छा से हम कि जो पिला दे संसार दे तो आगक ना को हम ना मुझे भांगी पड़ी से मथा किए बुझ प्रभु को समर्पित समस्त को प्रकृत में जो धैर्य शक्ति प्रभु दिखती भक्ता जनक कहते गोटे नारीर गोटे स्त्रीर शखा सिंदूर होार परिचय शखा सिंदूर गलापर भांगी पड़ी थाए धर्य हराई थाए कि धर्यर सहित सी कहते मुझे भांगी पड़ी पिला माने भांगी पड़े ये धर्य प्रभु ही दे प्रकृत ये धर्य को महाप्रभु दिखते हाँ महाप्रभु ही दिखते पुह मैंने मोर बहुत भल टे कदे भी से कंदे दिखते से जमा कदे पूजा कैर मोर बहुत समय मो पु बड़ पु कि कहनी सान पु कह बहुत देह भल अच्छी खाई सारे तो खाली पूजा करू था ठाकुर घर बसी था झील सब कथा फोन कर पुह को जनईद जाऊ सुंदर पुह झी पाई धन्यवाद देवी आपन को गोटे पुस्तक प्रदान करी जय जगन्नाथ टीवी पाखु जय जगन्नाथ वास्तव में भक्ता जिते प्रभु कथा कही से प्रभु कथा कहु कहु पुह झी स्नेह ममतार कथा आसी थाए जदि बाप माँ को पिला माने टिके पचारी दियंती विशेष भाव में पुह हो झी हो बो को पचारी देबे खाई कि नहीं देह भल अच्छे कि नहीं से बापा माँ माने अत्यंत खुशी हूँ एत आनंद हूँ से दिन को से केबे भूली न था जमी जन माँ पचा निजे मुक्त कंठ कहले मो पुह जत पचारि दिए मुझे भारी खुशी हुए प्रति बापा माँ खुशी हवा कथा आ प्रति बापा माँ खुशी हूँ आ प्रति बापा माँ जो पुह को बेसी भल पाती तारी पाखे ही रहती शेष जीवन समस्त निश्वास त्याग करने पूर्व समस्त सहस्त्र आशीर्वाद बाप माँ ही से पिला प्रति दे दिखती और सी ही जीवन सफलता पाई थाए बाप माँ होमर जीवंत देवता ये सीधा प्रसारण कार्यक्रम जय जगन्नाथ टीवी आपड़ देखुं भक्तों भक्तिर अनुभूतिर कथा ता सहित बाप माँ प्रति कर्तव्य बाप माँ प्रति भक्तिर कथा भी भक्त मैंने प्रकाश करवल प्रभुंर निर्देश प्रभु सदा बेले बाप माँ को सम्मान दे था प्रभु सबुबले तांको बापा माँ को सम्मान दे प्रभु अजन्मा हेले भी तांकर बापा माँ मध्य अच्छा जो से श्राद्ध बेश धारण करते आसतु आहरी अनेक भक्त प्रभु को कथा कहवापी अच्छा जय जगन्नाथ कौन आपणकर ना टे कहत बंशीधर साहू मु जगत सिंहपुर नाउगाँव आंशीधर प्रभुंर ना से बंशीर ध्वनि समस्ती की से विमोहित करुले नाटी भी नाटर नाटार सार्थकता थाए बापा दे निजे हाँ बापमा दे से बापमा का आशीर्वाद रु मु मोर निज अनुभूति कौच उठानबे मसीहा मुझे एकदम गरीब पर पिला आया एकदम जीरो मैं जहाँ कहते एकदम गरीब बापा माँ मोर बहुत कष्ट बचे मो बापा सब बड़े जगन्नाथ को डाकते आम पिले देखे बात्या मुड़ी जिते जहाँ भी चाड़ घर मुड़ी से डाकती तो अकस्मात बापा देह सुस्थ था एमती कि आम बापा को एमती अभाव रखीलु कहबे आजा आम गाँव लोक कहते अमक साहू लुण टोक खाऊला पिला घी मोड़े आम एत न रखिले पल रखीलु एमती से जगन्नाथ को डाकते आजा तो मो अनुभूति
98 ମସିହା ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଲା ରେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତିନି ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି, ତୁ ଯା ପୁରୀରେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ତୋର ପୂଜା ଥିଲା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଏହା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପୂଜା କଲି। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଅଭଡ଼ା ଏବଂ ମିଠା ପ୍ରସାଦ ପୁରୀ ଖଜା ନେଇକରି ଗାଁ ଗଲି। ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲି ଗାଁକୁ। ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିକିରି ଆସିପାରିନଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କାରଣ ବାପା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ବାପା ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବାପାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର। ମୁଁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ିଦେଲି, ବାପାଙ୍କ ନିଦ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଅଭିମାନ ଭିତରେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କହିଲେ ବାପା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଆର୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆଣିଛି ପାଅ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏମିତି ପାଇକିରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ବହୁତ ଲାଗିଛି, ଏଥର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। କହିଲି ବାପା ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଆରେ ଏମିତି ମୋ ତଣ୍ଟିଟା କାହିଁକି ଟିକେ ପାଣି ଢୋକିଲାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କହିଲେ ହେଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନା, ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ସକାଳ 4:30-5 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା କଥା। ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଆମ ସେପଟ ଘରେ ଉଠିକିରି ଦୁଆରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାପା କ'ଣ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ 7 ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ପାଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଗଲେ। ସେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇନି, ସେ ଏତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ କରୁଣା, ଜଣେ ଅଭାବୀ ଚାଷୀ ପରିବାର ଜଣେ ବାପାକୁ 80 ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଭାବପୂର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛୁ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ପରିବାରଟି ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା କହିବି, ମୋ ଝିଅ 2013 ମସିହାରେ ବାହାଘର କଲି, ମାତ୍ର 30,000 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ତୋଳାକନିଆ ବାହାହେଇଥାଉ, ଝିଅ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୋଳାକନିଆ କେହି ହେବେନି, ପାନିକତଡ଼ା ବାହାଘର ହେବେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଇଏ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଗଲି। କହିଲି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବି, ହାତ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କାହାକୁ ଅପମାନ ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ଦେଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାନିକତଡ଼ା ବାହାଘରଟି ମୋର ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ଅମକ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଖୋଳିକିରି ପଇସା ବାହାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ହିଁ ପଇସା ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଝିଅ ଟିକେ ବାହାଘର କଲୁ, ମୋ ତା ଦେଢ଼ ଶ୍ୱଶୁରଟି ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ହେବ। ଆମେ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ତ ଚାଳ ଘର ଗାଁ କଥା, ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଯେତେ ପାଲ କଲେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ କେମିତି ଦେଇପାରିବୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ହେବ ହିଁ ହେବ, ହେଲା ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆସି ଡାକିଲି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ତା ବାହାଘର ଯେଉଁଦିନ ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଆମ ଘରଠାରୁ 600 ଦୂରରେ ଆଣ୍ଠିଏ ବର୍ଷା, ଜୋଇଁ ଆସିଲେ 1 କିଲୋମିଟର ପଛପଟରୁ ସେଠି ଆଣ୍ଠିଏ ବର୍ଷା, ଅଥଚ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ନାକୁ ଫୁଲ ଝାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ପଳେଇଲା। ସେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଆରେ ସେ ଗୁଡ଼ିଆରୁକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଖାଇବାକୁ, ଏଠି ତ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତଥାପି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଛତା ଧରି ଆସିଲେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୂଳି ଝଟେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ବାପ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିଥିବାରୁ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦାନ କଲି, କ'ଣ ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ପିତାମାତା ହିଁ ସହିତ ମେନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେବା କଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ୍ୟ ହିଁ, କାରଣ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆନନ୍ଦ ଖୋଜନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କେଉଁଠୁ, ଏଇ